करगिल विजय के कल 25 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर देश भर में कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं और करगिल में भारतीय सेनाओं के वीर जवानों ने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को धूल चटा दी थी। ठाकुर हमारे साथ में हैं। सर, 25 साल के बाद फिर आज हम चर्चा कर रहे हैं उन दिनों की, जो 25 साल पहले जिसको सोच कर भी कोई भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं हीरो नहीं हूँ। हीरो तो वो है जो 527 वीर योद्धा जो शहीद हुए हैं, हीरोज उनके परिवार हैं जिन्होंने भी मुश्किल झेली है और आज हम उनको 25 साल पर श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। जहाँ तक लड़ाई की बात है, यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि वो जो पुरानी यादें हैं वो फिर ताज़ा हो गई और उन परिवारों से जिन्होंने खोया है उनसे मिलके, उनके बच्चे आज बड़े हो गए हैं, हमारे साथ जो लड़ाई में लोग रहे हैं आज वो इस कार्यक्रम में शामिल हैं। लेकिन मेरी यूनिट ने जो द्रास में जो दो महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से थी, चाहे वो दोलोलिंग हो चाहे टाइगर हो, उस पर विजय पताका फहराया है। ये दोनों लड़ाइयाँ बहुत भिन्न थी। टुलुलिंग की जो सबसे पहली लड़ाई थी, उस हालात में तो ना तो दुश्मन के बारे में कोई खबर थी। एक सर, मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा जो आप जहां से लड़ाई स्टार्ट हुई उसको आप पहले बताएं, उसके एक्सप्लेन करें कहां से स्टार्ट हुआ। देखिए, सबसे ऊंची चोटी अगर आपको दिख रही हो, 5140 है, जिसके बाद हम का इलाका आपको आता है, फ्लैट सा एरिया, और उसके बाद दो नुकीली चोटियां आपको दिखती हैं, ये टुलुलिंग और 0.4590 है, और ये नीचे के जो रिज जो है द्रास की तरफ इस तरह से आता है। तो ये सबसे मुश्किल लड़ाई थी जो कि सबसे नजदीक इस नेशनल हाईवे को बाधित किया हुआ था और इस लड़ाई के लिए 24 दिन लग गए। और शुरू में बताया कि यहाँ पे 5 से 6 पाकिस्तानी हो सकते हैं मुजाहिदीन, और बाद में यहाँ पर कंपनी थी। और ये जो अगर मैं इधर आपकी नजर ले रहा हूँ, ये टाइगर हिल है, आप ये देखिए सबसे ऊंची चोटी जो पूरी द्रास को डोमिनेट कर सकती है। इसके ऊपर आर्टिलरी के ओपी थे जो कंटिन्यूसली द्रास के ऊपर फायर करते थे और जो हमारी कॉन्वाइज थी लॉजिस्टिक की जो लेकर जाती थी वो बाधित थी। तो इन दोनों चोटियों पे 18 कैनेडियंस को विजय पताका फहराने का एक मौका मिला और जिसके लिए 34 जो रणबांकुरे हैं 18 कैनेडियंस को खोने पड़े। वैसे तो पूरी कारगिल लड़ाई में 527 योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। सर, बत्रा टॉप की अगर बात करें और खासतौर पर आप हिमाचल से हैं तो तमाम चीजों को भी समझेंगे, कई ऐसे योद्धा थे, चाहे हालांकि पूरा देश के तमाम योद्धा जो अलग अलग जो सेक्टर से जो संबंध रखते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, लेकिन किस तरह से पूरा, चाहे बत्रा टॉप की बात करें या पूरे इस नेशनल हाईवे को किस तरह से काटने की एक तैयारी साजिश जो है वो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में एक कार्यक्रम में पहुंची साध्वी प्राची ने कावड़ मार्ग पर दुकानों में नेम प्लेट लगाने को लेकर कहा कि अपना असली नाम लिखने में आपत्ति क्यों है, जिसको परेशानी है वो लोग हिंदू धर्म अपना ले। अच्छा फैसला था, और जब हिंदू नाम रखने से उनके ढाबे उनके बिजनेस चल रहे हैं तो मैं समझती हूं वो हिंदू धर्म ही अपना ले, इसमें दिक्कत क्या है? अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? अपना ओरिजिनल नाम अपने ढाबे का क्यों नहीं रख रहे हो? तो इसका मतलब मिलाड दाल में कुछ काला है। देखिए, मैं कोर्ट के मिलाड से एक बात पूछना चाहती हूं। मैं बेहद आहत हूं, मैं बता नहीं सकती कितना आहत हूं। मैं एक बात मिलाड से पूछना चाहती हूं, मक्का मदीना के अंदर मेरे हिंदू भाइयों की जरा चाय की स्टॉल खुलवा देना। मेरे समाज में भी तो गरीबी है भाई, आखिर क्या मिलाड उन्हीं को संरक्षण देगा जो अपनी पहचान छुपा करके हिंदुस्तान के अंदर बवाल मचा देते, उत्पात मचाते हैं? तो क्या मिलाड इसका इसके जिम्मेदारी कौन लेगा?